बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर के कविता को मिली बेल, गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को राहत नहीं, ईडी मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोलकाता में छात्रों का नंबन्ना मार्च हुआ उग्र, छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। ई डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ छात्र संगठनों का सचिवालय तक मार्च, छात्रों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, ममता सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कोलकाता में छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने मार्च को बताया था बड़ी साजिश। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन तेज, मार्च कर रहे छात्रों को रोका, प्रोटेस्ट में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा नबन्ना रैली से पहले 4 कार्यकर्ता हुए गायब, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ममता सरकार की पुलिस जिम्मेदार होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। आरजीकर हॉस्पिटल मामले में वित्तीय अनियमितताओं की ईडी भी कर सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी, प्रतिमा के गिरने की वजह की हो रही जांच। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी के नेता नीलेश राणे, कहा जो भी दोषी है चाहे वह ठेकेदार हो या अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया, हाईवे के मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बीजेपी पर अटैक, राष्ट्रवाद की बात करने वाले कर रहे भ्रष्टाचार, शिंदे सरकार दे जवाब। चंपई सोरेन ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वापस लिया, कहा जनता की मांग पर बीजेपी में शामिल होऊंगा। बीजेपी में शामिल होने पर बोले झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कहा पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझ पर भरोसा दिखाया। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मुबीन पर बुलडोजर एक्शन, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने किया ध्वस्त।